करेंगे एमसीए टी20 सुपर सीरीज आज के पहले मुकाबले का। कल का पहला मुकाबला काफ़ी हम लोगों के लिए सुपर गया था, तो उम्मीद करेंगे आज का भी पहला मुकाबला हम लोगों के लिए सुपर डुपर जाए। एसओएच वर्सेस सीएस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। देखो कैप्टन वाइस का इस मैच में करीबन 4 बेस्ट च्वाइस है, अगर यदि सैयद अजीज विकेट कीपिंग नहीं करता है तो 5 बेस्ट च्वाइस हो जाएगा। तो कैप्टन वाइस का सबसे बड़ा रोल होने वाला इस मुकाबले पे, और 1-2 प्लेयर के रिस्क, बाकी सारा कुछ लोगों का भी सेम रहेगा और हम लोगों का भी। तो मेरे भाई अगर यदि आप ऐसे मुकाबले खेलना चाहते हो और फाइनल अपडेट चाहते हो, जैसे फाइनल टीम मिलेगा जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके लिए पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि कल 16 ओवर का गेम खेला गया, कौन कितना ओवर डालेगा, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट कमाने का टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, सिंपल है मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट जो होता है फर्स्ट कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एसओएच का लास्ट मुकाबले का, लास्ट स्कोर कार्ड ही दोनों टीम का मायने है, क्योंकि हर मैच में 3-4 बदलाव होता है, इसलिए ज़्यादा आपको स्कोर कार्ड देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अन्य नया प्लेयर खेलेगा, आपका भाई है, उनका रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देगा। सैयद अजीज इंपॉर्टेंट होगा, हसनैन अहमद ओपन आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भी गेंदबाजी करता है। विजय यूनी भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भी गेंदबाजी कर लेता है, तो बेहतरीन ऑलराउंडर कैप्टन विसी भी दे सकते हो। इमाद खान ने अच्छा इनिंग यहाँ पर 45 का खेला, तो चाहो तो इनके ऊपर जा सकते हो या फिर बड़ा रिस्क भी ले सकते हो। अरसलन सबीर क्वालिटी स्पिनर के गिनती में आते हैं और विजय यूनी के तुलना में ये ज़्यादा बेहतर आजकल कर रहे हैं और साथ में ये भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अहमद अजमय लास्ट सीजन बहुत सुपर रहा था, इस सीजन बिल्कुल भी लय में नहीं, ना ही बल्लेबाजी से ना ही गेंदबाजी से, हो सके इनका फॉर्म आ जाए फिर अपने रूप में ये काफ़ी बढ़िया कर सकता है, कैप्टन वीसी भी निकल सकता है। बाकी गेंदबाजी से देखा जाए रिजवान हैदर इंपॉर्टेंट है और रहेगा, अहमद अजमय पर थोड़ा सा खास नज़र रखना है, पहले बल्लेबाजी पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हसनैन अहमद इंपॉर्टेंट रहेगा, असलम सबीर, विजय यूनी, बाकी ये दो गेंदबाज पार्ट टाइम के लिए, अगर यदि बड़ा स्कोर सामने वाला टीम ऐसा लगे कि वन साइडेड तरीका से हारने वाली है तो फिर इन लोग को यूज किया जा सकता है, बाकी ऊपरी 5 गेंदबाज ही बेहतर है। यहीं दोस्तों बात की जाए, बारिश बाधित 16 ओवर का गेम खेला गया, जहां पर सीएस ने पहले बल्लेबाजी किया अहमद फैज, हम लोगों ने कैप्टनसी दिया था 38, और ऐनुल हाफिज ने जमकर यहां पर आक्रामक पारी खेली, 23/39, एक चौके 3 छक्के यहां पर जड़े, तो ठीक ठाक यहां पर बल्लेबाजी इन्होंने किया। बाकी गेंदबाजी से देखोगे तो गेंदबाजी इस प्रकार से रही, मोहम्मद अयमन जैकिन ने 2 विकेट ले गए जो कि हम लोगों के लिए अच्छा खासा ये असरदार रहा। अहमद फैज भी 2 विकेट लेके, अकीब जावेद डेथ के लिए बेस्ट गेंदबाज है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एम गुलराज जिनका 4 ओवर लगभग कन्फर्म रहता है, वैसे एक्सपेरिमेंट जरूर किया गया क्योंकि सामने की टीम पूरी तरह से ये सिलेंडर कर दिया था, तो इस वजह से तो एम गुलराज कैप्टन बीसी का प्रबल दावेदार रहेगा। ए अमीन प्रेम जी एक बढ़िया स्पिनर है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐनुल हाफिज वैसे पार्ट टाइम गेंदबाजी करता है, गेंदबाजी करने के चांस काफ़ी कम रहेंगे। तो मेरे भाई चलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, क्यों ना उनके ऊपर बात किया जाए। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा दोस्तों कुछ जानकारी लेना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। दोस्तों ये टीम जो मैं बना के रखा हूँ, देखो कैप्टन वीसी यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कौन बेस्ट होने वाला, लेकिन मुझे जो लगा मैंने गया, लेकिन यहाँ पर एक अन्य ये भी है, इनके अलावा यहाँ से विजय यूनी, एम गुलराय, तो और 2 ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ। तो मेरे भाई ये 5 कैप्टन वीसी का अच्छा चॉइस है, इन 5ों के ऊपर आप जा सकते हो नो डाउट। अब यहाँ पर देखो एक फेर बदलाव क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखा जाए तो एक ए हाफिज का यहाँ पर सिलेक्शन देखो वो ठीक ठाक है, तो ऐनुल हाफिज ठीक ठाक प्लेयर है, और एक होगा बल्लेबाजी सेक्शन में आई खान, तो इन दोनों को ट्राई करना चाहते हो तो किन के जगह ट्राई कर सकते हो, एक बड़ा सवाल रहेगा। बाकी कोई बड़ा प्लेयर खेलेगा तो फिर उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो मेरे भाई आप यहाँ से ए जावेद को ड्रॉप करके यहाँ पर ए हाफिज या फिर आई खान को ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ से अगर यदि चाहो तो यहाँ से अहमद अजबई को यहाँ से ड्रॉप करके फिर इन दोनों को यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो।
बाकी आपके जहन में है कि मैं दोनों को ट्राई करूंगा, तो इन दोनों को आपको ड्रॉप कर देना है और दोनों का आसानी से अपने टीम पे पिक कर लेना है। बाकी अगर यदि आपको लगता है कि नहीं ये जावेद को रहने देना है और दोनों को भी पिक करना है, तो यहाँ से आपको करना क्या होगा, ये अमीन प्रेम जी के ऊपर रिस्क लेना होगा, फिर दोनों को पिक कर सकते हो। अगर यदि आपके जहन में कि भैया ये जावेद नहीं, मुझे यहाँ से देखा जाए तो ये अमीन प्रेम जी को रहने देना है, बाकी दोनों को पिक करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है, कैप्टन बीजी का भी ऑप्शन है। बस ये दो जो लास्ट का मैं बताया हूँ, वो दो बल्लेबाज और दो गेंदबाज, यहाँ पर जो एडजस्ट कर पाया वो अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा। और कैप्टन वीसी का पांच बेस्ट ऑप्शन है, तो इन पांच के ऊपर भी जा सकते हो। तो कैप्टन वीसी प्लस लास्ट के दो प्लेयर, बाकी सारे टीम पे सेम होना चाहिए। बाकी बदलाव होगा तो फिर हम भी बदलाव करेंगे। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए। आज विषहरी पूजा है, तो उनकी आप लोगों के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ।